वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मस्त ही शानदार वीडियो, बताएंगे आपको क्या है कैसे नहीं। कि आज क्या है कि सबसे प्रॉब्लम ये है कि ब्लूटूथ की जो भी कनेक्शन होती है जो रॉन्ग होती है, इसी की वजह से ब्लूटूथ चालू नहीं होता है। उसके किट के बारे में हम बताएंगे कि कैसे कौन सा कनेक्शन कहाँ जोड़ने का है कैसा नहीं, कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना ही स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये वाले सब किट। ये सब किट ब्लूटूथ की है, ये सब ब्लूटूथ की किट है, अलग अलग ब्लूटूथ की किट है। ये देखिए आपको दिखाएंगे कौन सा कनेक्शन क्या है। ये सब ब्लूटूथ की अलग अलग किट है। तो पहले आपको दिखाएंगे कि चलो ये वाली किट, ये ब्लूटूथ की किट है। आपको यहाँ पे मेंशन फोटो भी दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बी प्लस और बी माइनस ये होता है ना, दोनों प्लस माइनस, ये दोनों भी जो बैटरी पावर रहते हैं ना, जो बैटरी पावर के प्लस माइनस रहते हैं, ये बी प्लस बी माइनस, और ये आर रहते हैं आर प्लस और आर माइनस, ये आपके साउंड के रहते हैं। और दूसरे कनेक्शन एल रहते हैं ना, एल प्लस एल माइनस, ये भी दोनों आपके ये साउंड के रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इसलिए एल और आर बोलते हैं इसको। तो पहला कनेक्शन आपने देख लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसके भी सेम कनेक्शन है, यहाँ पे भी दिखाया है R माइनस R प्लस, यानी कि दोनों के दोनों ये साउंड के, और ये दोनों B प्लस एंड B माइनस, ये भी बैटरी के, और ये ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं रहती है, सेम ही रहता है L R और L माइनस सेम। और ये भी किट देखें, इस पर भी कनेक्शन सेम ही है, यहाँ पे भी लिखा है B प्लस और B माइनस, बी आर माइनस आर प्लस, यानी कि दोनों भी साउंड के, ज़्यादा इसमें कुछ भी ये दिक्कत नहीं रहती है, सेम ही इसके कनेक्शन रहते हैं। ये देखिए ये आपके ब्लूटूथ में एक सिम इतनी ही किट रहती है, हर ब्लूटूथ में बस यही किट रहती है। जो आपको प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। ये भी सेम किट ही है, इसके भी सेम कनेक्शन है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लाएंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।